हेलो जय हिंद साथियों। तो हम सब लोग ग्रुप डिस्कशन में जो घटना चक्र का ये भूगोल कर रहे थे, तो भूगोल का आगे बढ़ाते हुए हम सब लोग इससे पहले भारत का सामान्य परिचय पढ़ लिए, क्षेत्रफल पढ़ लिए, उसके बाद मौनक समय पढ़ लिए, और आज जो पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे, दर्रा पढ़ेंगे, चोटी पढ़ेंगे, घाटी पढ़ेंगे, सभी चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं घटना चक्र से भूगोल के विषय। तो भूगोल का आज जो होगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश होगा। तो चलिए बताइए, तो भारत की उत्तर सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। कैसा है? नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। उत्तर की सीमा जो है ना विस्तृत हिमालय कैसी है? नवीन वलित और भूगर्भीय, हाँ ठीक है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में कहाँ से पश्चिम पूर्व से लेकर ब्रह्मपुत्र दिशा तक ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर कहाँ तक फैली है? ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। कितना किलोमीटर लंबाई फैलता है? 2500 किलोमीटर। अच्छा ये बताइए, यह पर्वत श्रृंखला जो है भारत में पश्चिम पूर्व दिशा से कहां तक है? पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर सतलज ब्रह्मपुत्र, पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, ठीक है। और हिमालय लगभग कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? 2500 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कश्मीर में कितना किलोमीटर है? 400 किलोमीटर। 400 कश्मीर में, एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। कश्मीर में कितना है? 400 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। भारत की प्रमुख हिमालय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इस सब में क्या है? जो है हिमालय प्रमुख हिमालयी राज्य, प्रमुख राज्य है। मतलब ये सब राज्य में क्या है? हिमालय फैला हुआ है। कौन कौन राज्य बताइए तो? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सब में क्या है? हिमालय फैला हुआ है, ठीक ना। जम्मू कश्मीर, हाँ, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। बताइए, हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। मतलब कि पश्चिम भाग की जो है क्या है, पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता है। पूर्वी भाग और पश्चिम, हाँ, अधिक विविधता है, विविधता पाई जाता है, अंतर होता है। हाँ, हिमालय के निर्माण की आयु के आधार एवं वलय के तीव्रता के आधार पर चार समांतर संरचनात्मक क्षेत्र में बांटा गया है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिछा लेंगे जी सर, कल सर, जी सर कल मांग लेंगे, जी सर कल मांग लेंगे। तो देखिए इसमें बताइए तो, हिमालय के निर्माण के आयु के आधार पर वलय की तीव्रता के आधार पर कितना भागों में बांटा गया? चार भागों में। कौन कौन भाग है? हिमालय, वेद हिमालय, लघु हिमालय, हिमालय, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, बाह हिमालय। कौन कौन है? ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, बाह हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है तिब्बत के क्षेत्र में, ठीक ना। ट्रांस हिमालय तिब्बत के क्षेत्र, और वृहद हिमालय महान हिमालय, लघु हिमालय मध्य हिमालय, और बाह हिमालय शिवालिक का भाग, शिवालिक का भाग। मतलब हिमालय की उपयुक्त अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में, ठीक ना, लॉन्गिट्यूडनल किस कैसे है विभाजन? उत्तर से दक्षिण, हाँ। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रेटेशियस टर्सरी काल का हुआ है। अच्छा, ट्रांस हिमालय किस काल का है? क्रेटेशियस टर्सरी काल का है। ट्रांस हिमालय इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन है? क्रेटेशियस। ट्रांस हिमालय, हिमालय की सबसे प्राचीन हिमालय ट्रांस हिमालय, और यह किस काल की है? क्रेटेशियस, क्रेटेशियस काल। हिमालय की अन्य श्रेणी का उत्थान टर्शियन काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जैसे वृहद हिमालय या महान हिमालय। हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी कौन है? वृहद हिमालय, वृहद हिमालय या महान हिमालय, जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ है। इसका निर्माण कब हुआ? ओलिगोसीन युग में हुआ है। महान हिमालय का निर्माण ओलिगुन युग में, ओलिगोसीन युग में हुआ, 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। अच्छा, ट्रांस हिमालय किस युग का है? ट्रांस हिमालय क्रीटेशियन, हाँ, क्रेटेशियस टर्सरी, क्रेटेशियस टर्सरी युग का है। अच्छा ये बताइए,
हाँ, उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग में तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का है। लघु हिमालय का निर्माण किस युग में? मध्य मायोसीन युग। हाँ, तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण है कौन युग में हुआ? प्लायोसीन युग नाम में कौन हुआ ये निर्माण? शिवालिक जो नवीनतम। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमालय के जो उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला है उसको क्या बोलते हैं? महान हिमालय या हिमाद्री। हिमाद्री यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। ठीक है, महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा बताइए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन? कंचनजंगा। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तिस्ता नदी और पश्चिम में तामू नदी के मध्य स्थित है। कहाँ है? पूर्व में तिस्ता नदी, पश्चिम में तामू नदी। पश्चिम में तामू नदी कौन है? तिस्ता नदी। पश्चिम में तामू नदी, ये कौन है? कंचनजंगा। बताइए तो, पूर्व में कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा जो है पूर्वी नेपाल भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थित उत्तर मध्य नेपाल में है, मतलब धौलाधर चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। धौलाधर चोटी कहाँ है? नेपाल के मध्य में। मध्य में, लेकिन अन्नपूर्णा की चोटी जो है उत्तर मध्य नेपाल में। हाँ, अन्नपूर्णा की चोटी उत्तर मध्य नेपाल में। अन्नपूर्णा की चोटी उत्तर मध्य नेपाल। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना होता है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। कौन? ये हिमालय का जो क्रोड है ग्रेनाइट का बना होता है, हमेशा ये हिमालय जो है बर्फ से ही ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमालयों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदी सतत वाहिनी है। हिमालय से निकलने वाली नदी कैसी है? सतत मतलब एनी टाइम बहते रहती है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय के दक्षिण में उसको लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। मध्य हिमालय कहा जाता है, ठीक ना? इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न तथा प्रवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3500 मीटर से 4500 मीटर के बीच। किसकी ऊंचाई? इसकी लघु हिमालय या मध्य हिमालय की ऊंचाई जो है 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक। हाँ, और इसका चौड़ाई क्या है? इसकी चौड़ाई 60 से लेकर 80 किलोमीटर। 60 से 80 किलोमीटर चौड़ा कौन है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय? मध्य हिमालय 60 से 80 किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई कितना है? 3700 से 4500 मीटर। हाँ, लेकिन चौड़ाई हो गया 60 से लेकर 80 किलोमीटर। 60 से 80 किलोमीटर किसका? लघु हिमालय। धौलाधर और महान श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। किसमें? इसी में, मतलब धौलाधर में। धौलाधर एवं महाभारत की श्रृंखला है, ठीक है? महाभारत की श्रृंखला उसी में है। कश्मीर की घाटी और कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी किसमें है? धौलाधर में। महाभारत की श्रृंखला जो है। बताइए तो, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? आप नहीं बोल रहे हैं। इनकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर है तथा ऊंचाई 900 से 10 से 50 हिमालय की और इसकी जो ऊंचाई है 900 से 1100 किलोमीटर। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपृत अवसादों से बनी है। नदियों द्वारा लाई गई असंपृत अवसादों से बनी है। कौन? शिवालिक। निम्न हिमालय मतलब की हाँ, निम्न हिमालय जो तथा शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। मतलब निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित जो लंबवत घाटी है उसको क्या बोला जाता है? दून। कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे देहरादून हुआ, कोटली दून हुआ, पटली दूना हुआ, ये सब क्या हुआ? ये दून हुआ। ये कहाँ है?
ये जो है शिवालिक हिमालय और हिमालय हिमालय के बीच लघु लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच को भाग को लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच को भाग को दून कहा जाता है। जैसे कि देहरादून हुआ, उसमें पोटली दून हुआ, पाटली दून हुआ, तो हुआ शिवालिक क्षेत्र के गिरिपाद क्षेत्र में पश्चिम सिंध से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। मतलब शिवालिक क्षेत्र के जो फुट ही है ना, मतलब नीचा वाला बाद में पश्चिम सिंध से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समस्त मतलब समतल मैदान को क्या बोला जाता है, भावर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकर और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। हाँ, कंकर और बजरी की संधता इतनी अधिक होती है, इतनी है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है। मतलब कंकर और बजरी इतना है ना, उसमें क्या होता है, समुद्र लुप्त हो जाता है। सब क्या होता है, समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है। समूची नदी लुप्त हो जाती है। बताइए, भावर के दक्षिण में, भावर के दक्षिण में 15-30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक ना, भावर के दक्षिण में क्या है, 15-30 किलोमीटर दलदली फैला हुआ है। ठीक है, भावर के दक्षिण में 15-30 किलोमीटर क्या है, दलदली फैला हुआ है, जिसे तराई कहते हैं, जिसे उसको क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र बोलते हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। महान हिमालय के उत्तर में क्या, ट्रांस हिमालय। पामीर की गाठ ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। पामीर की गाठ किधर है, ट्रांस हिमालय। काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही भाग, ये पूछता है, पूछेगा ये ट्रांस हिमालय। हाँ, तो काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर ट्रांस हिमालय का ही भाग। हाँ, हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत किसमें है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पर्वत के पश्चिम हिस्से में स्थित है। मतलब ट्रांस हिमालय कैलाश पर्वत जो है ना, ट्रांस हिमालय के पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल राइट। हाँ बताइए, तो हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया। पश्चिम से पूर्व तक विभाजित किया। हाँ, इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय को क्या बोला जाता है, ये सब पढ़े थे ना, सतलज और सिंधु के बीच में पंजाब हिमालय। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर था हिमालय, हिमाचल हिमाचल, कश्मीर था हिमाचल, जो हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, सतलज तथा काली के बीच में, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, और काली तथा तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, तिस्ता एवं दिहांग के बीच में असम हिमालय। हाँ, तो जैसे सतलज एवं सिंधु के बीच में क्या है, सतलज और सिंधु के बीच में पंजाब हिमालय। हाँ, सतलज तथा काली के बीच में कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, काली तथा तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तिस्ता दिहांग के बीच में असम हिमालय, असम हिमालय। दिहांग, जब ये दिहांग नदी कहाँ है, असम में जी सर। बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, दिहांग महाखंड के हिमालय बाद हिमालय दक्षिण को तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, ये बताइए, पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वी हिमालय कैसी फैली हुई, समांतर श्रृंखला एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है। ठीक ना, पूर्वांचल में पटकोई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ। पूर्वांचल में क्या है, पटकोई, नागा और मिजो। पूर्वांचल, पूर्वांचल में क्या है, पटकोई, नागा और मिजो। ठीक है, भारत के हिमालय का बड़ा महत्व है। भारत में जो हिमालय है ना, भारत के लिए हिमालय बहुत बड़ा महत्व रखता है। जैसे कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीतलहरों का अनुभव होता। मतलब साइबेरिया जो आता है ना शीतलहरी, वो हमको बहुत मतलब कि प्रभावित करता, बहुत ठंड हो जाता भारत में। और क्या है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोद मृदा से वंचित होता था, मानसून की प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता अगर हिमालय नहीं होता तो। हिमालय पर्वत मानसून पर्वतों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है।
हिमालय पर्वत क्या होता है? वर्षा का कारण बनता है। हाँ, हिमालय जो है वही वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु, गंगा एवं उनकी सहायक नदियाँ अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। अपरदन निक्षेपण के द्वारा ही जलोढ़ का निर्माण करती है। अब देखिए अटल टनल जो होता है कितना इसकी लंबाई है? 9.02 किलोमीटर लंबा अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। कहाँ है अटल टनल? कहाँ है? पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है हिमालय। हाँ, यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। मनाली को लाहौल से घाटी से जोड़कर रखती है। कौन? अटल टनल। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये भी पूछता है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन किसका? अटल टनल का। अटल टनल की लंबाई कितना है? यह किसको किसको जोड़ती है? मनाली को लाहौल से। हाँ, बताइए। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। ठीक ना? तीन अक्टूबर 2020 को रोहतांग जो हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। अटल टनल मतलब 3 अक्टूबर 2020 को जो है ना रोहतांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने किया। ठीक है। अच्छा ये बताइए, हमारे अटल जी अपने नाम पर अटल टनल का नाम आ गया। अटल टनल का उद्घाटन किया है मोदी जी ने। ये बताइए, अच्छा अब हिमालय के कुछ अनुदैर्ध्य उत्क्रम पढ़ते हैं। ठीक ना? हिमालय में कई अनुदैर्ध्य मतलब उत्क्रम एवं दरार है पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल ट्रस्ट मिलता है। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर क्या मिलता है? मेन फ्रंटल ट्रस्ट। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल ट्रस्ट। हाँ, MFT एवं MBT मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय का विस्तार है। मतलब MFT और MBT के मध्य क्या है? उप हिमालय, जिसको शिवालिक बोलते हैं। उप हिमालय शिवालिक विस्तार। MBT MCT के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। MBT और MCT के बीच कौन है? लघु हिमालय। MBT और MCT के बीच लघु हिमालय का विस्तार है। अब ये बताइए, MCT के ऊपर HHS मतलब हायर हिमालय क्रिस्टलाइन स्थित है। तिब्बत हिमालय जो है 33 HSC एवं HTSC मतलब HTDS मतलब साउथ तिब्बतन डिटरमेंट सिस्टम। तिब्बत हिमालय जो है HSC एवं HTDS के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सचर क्षेत्र अवस्थित है। इसके मध्य में उत्तर में स्थित उत्तर में सिंधु सांगपो सचर क्षेत्र स्थित है। ITSZ मतलब इंडस ट्रांसपो सचर जोन। इंडस ट्रांसपो सचर जोन के ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। हाँ, ITSZ के उत्तर में क्या है? ट्रांस हिमालय। इन उत्क्रम क्षेत्रों का अवस्थित एवं हिमालय की भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंप क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में पर्यटकों के संचारण के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। अब देखिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना? देखिए बोलिए आप सब लोग, नहीं बोलिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, तब कोई फायदा नहीं। अच्छा ये बताइए, हिमालय से निकल कुछ ये क्वेश्चन है आपको, मतलब कुट बुला दे रहा है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, क्या ये सही है? सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त करता है, सही है। ए और दोनों सही है। ठीक ना? मेल नहीं है। हाँ, मेल नहीं है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये भी सही है। कहाँ करता है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश? कहाँ से प्राप्त? हाँ, इसको भी याद रखिये, दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्या करता है? पश्चिम में जाता है, ऐसे जाता है। अब देखिए, अब ये जो है, देखिए हिमालय, अब देखिए इसको सही या गलत कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। हाँ, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से स्थित है। हिमालय का उद्गम किसका है? हाँ, हिमानियों से। सही तो है,
अब देखिए आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा था, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी क्या है? प्राचीनतम श्रेणी कौन है? बृहत हिमालय। मतलब हिमालय की रचना जो समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन है? बृहत हिमालय। हाँ बताइए तो। अब देखिए ये सही या गलत करने वाला है, देश के आईएएस में भी ये भी पूछा है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से होने वाली शीतलहरों का अनुभव होता है। मतलब किसमें कहा गया है क्या, यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो इसमें क्या देखिए, ये देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से होने वाली शीतलहरों का अनुभव होता है। हाँ अगर नहीं रहता तो होता। सिंधु मैदान, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्त जलोढ़ मृदा से वंचित होता, ये भी सही अगर हिमालय नहीं होता तो। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, ये भी सही है अगर हिमालय नहीं होता तो। हाँ बताइए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को कहा क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। क्या कहता है? भावर कहा जाता है। उत्तर भारत में उप महान उप हिमालय के क्षेत्र में के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहता है? भावर। हिमालय की पर्वत प्रदेश मतलब कि हिमालय की पर्वत पदीय प्रदेश क्या है? शिवालिक। मतलब सबसे नीचे हम कौन है? सबसे नीचे हम शिवालिक है, इसलिए उसको पदीय बोलते हैं। फुट हाँ फुट ऑफ हिल्स हिमालय शिवालिक को कहा जाता है। यही क्वेश्चन है जो कि 43वां बीपीएससी में पूछा था। अब देखिए शिवालिक पहाड़ियों में से किसका ऐसा है? हिमालय का ऐसा है। बताइए शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, कौन युग में? सेनोजेइक में। शिवालिक सेनोजेइक, याद रखिए शिवालिक सेनोजेइक में। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई बताइए। इसका ऊंचाई था लगभग 900 से 1100 मीटर। शिवालिक की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर। ऐसा कुछ नहीं है, 900 से 1100 है। बताइए कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? सतलज और काली, नेपाल। कुमायूं, सतलज और काली। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण है, बताइए। भावर क्षेत्र का, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण है। देखिए हम ऑप्शन दे रहे हैं, मध्य भूमि स्थित का, अंतरा पर्वत स्थित का, गिरिपाद की स्थिति का, अनुसमुद्री स्थित का। तो गिरिपाद की स्थिति का जो यह क्या है, शिवालिक श्रेणी इसका उदाहरण है, बताइए तो। अब देखिए ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था 2012 में, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। पहला ऑप्शन है गहरे खड्डे देखेंगे, घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणी देखेंगे, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल की प्रवणता देखेंगे। ये सभी देखेंगे आप अगर आप हिमालय को यात्रा करेंगे तो, ये सब चीज देखेंगे। ये क्या, ये आईएएस में पूछा है, ठीक है। अब ये बताइए, बताया कि कहाँ कहाँ कौन है, कश्मीर में मानचित्र की जांच। हाँ वो तो अथी बताइए, लघु हिमालय में स्थित है, लघु हिमालय जो स्थित है किसके किसके मध्य बताइए तो। लघु हिमालय हो गया आपको, शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच है। लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच क्या स्थित है? लघु हिमालय। अच्छा ये बताइए, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर नाम निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही? मतलब पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताइए। शिवालिक और लघु, शिवालिक लघु हिमालय महान हिमालय। मतलब दक्षिण से क्या बोलता है, दक्षिण से उत्तर, पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर, उल्टा जाना है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बोलिए, क्रम बोलिए। शिवालिक लघु महान। हाँ शिवालिक लघु महान। हाँ बताइए निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, विंध्य, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई? शिवालिक। कौन है? शिवालिक। बताइए तो। अच्छा ये नहीं, अच्छा ये बताइए तो, निम्नलिखित से में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी, जैसे कि एक ऑप्शन है जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख और काराकोरम। हाँ उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर के क्रम में पर्वत श्रेणी,
पीर पंजाल जासकर लद्दाख पंजाल हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा इसका ये जो पीर पंजाल होगा जासकर होगा लद्दाख होगा काराकोरम होगा हाँ उल्टा जाना है मतलब कि क्या नीचे से ऊपर जाना है उत्तर दिशा की ओर उत्तर मतलब नीचे से ऊपर जाना है तो पहले ले लीजिएगा पीर पंजाल जासकर लद्दाख हाँ बस हो गया ऊपर से जैसे कि KLJP अच्छा ये बताइए निम्नलिखित समूहों में कौन से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखला का सही क्रम ऑप्शन दे रहे हैं पश्चिम से पर्वत श्रृंखला का सही क्रम है बताइए तो ऑप्शन है एवरेस्ट कंचनजंगा अन्नपूर्णा धौलागिरी बी नंबर में कंचनजंगा एवरेस्ट अन्नपूर्णा धौलागिरी पूरब से पश्चिम पूछे पूरब से पश्चिम की ओर पूरब से पश्चिम की ओर पहले तो ले लीजिए आप एवरेस्ट का पर्वत पहले कंचनजंगा ठीक है बताइए उत्पत्ति के दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों की सबसे नवीनतम कौन है उत्पत्ति की दृष्टि से ऑप्शन दे रहे अजंता श्रेणी पालकोंडा श्रेणी कैमूर और पटकोई श्रेणी पटकोई नवीनतम है सबसे नवीनतम कौन है सबसे नवीनतम कौन है पटकोई निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में से संलग्न नहीं है नागालैंड त्रिपुरा मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा पटकाई पहाड़ियों असम असम मणिपुर मेघालय त्रिपुरा एवं नागालैंड संलग्न है पटकाई में कौन कौन है पटकाई में असम मेघालय मणिपुर मेघालय मिजोरम और नागालैंड ठीक है किसमें पटकाई पहाड़ी में हो गया असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड अब देखिए पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर पंजाब उत्तराखंड बताइए जम्मू कश्मीर में अच्छा ये बताइए अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए देखिए आप विचार कीजिए ईर्ष्या निर्मोल सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है ये जो है ना ARO मेंस में पूछा गया है 2016 में अटल टनल से बताइए यह मनाली और लोहाल स्पीति घाटी को जोड़ती है सही है यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है सही है यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है सही है अटल टनल की लंबाई बताइए निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पर पार करती है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है पूर्वी पीर पंजाल अच्छा किन दो पर्वत के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है बताइए बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कौन है कश्मीर घाटी हाँ बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी बताइए कश्मीर घाटी स्थित है ऑप्शन आ गया UPPCS में पूछा है कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी वही है पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साई चीन का भाग है काराकोरम शिवालिक कश्मीर लद्दाख क्या बताइए लद्दाख जो है ना ये ऑक्साई चीन में अच्छा ग्रेट हिमालय की ऊंचाई बताइए 8850 मीटर 8848 है तो 50 मान ना लो क्या दिक्कत अच्छा हिमाचल पर्यायवाची है किसका हिमाचल किसका पर्यायवाची मतलब हिमाचल मध्य हिमालय का UPPCS में पूछ दिया है क्या मतलब हिमाचल पर्यायवाची हिमाचल किसका पर्यायवाची है हिमाचल मतलब हिमालय हाँ मध्य हिमालय का हाँ अच्छा ये देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बताइए भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों से में फैला हुआ है हाँ नहीं गलत है भारत 5 क्या बोले भारत में हिमालय केवल 5 राज्य 11 राज्य नहीं गलत है टोटल 11 राज्य फैला हाँ बताइए पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं नहीं गलत है पुलकित झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है ये सही है पुलकित झील कितने राज्यों में 2 राज्यों में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलकित तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश देखिए सर सही है हम लोग याद किए हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सिक्किम हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश बताइए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है हिमालय श्रेणी हिमालय श्रेणी अच्छा निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम श्रेणी है हिमाद्री श्रेणी ठीक है अच्छा ये बताइए मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है ऑप्शन दे रहे हैं सरोवरीय मैदान का लोयस मैदान का हिमनदीय मैदान का जलोढ़ मैदान का सरोवरीय मैदान का मणिपुर पहाड़ियों से घिरा जो है इम्फाल बेसिन सरोवरीय हिमालय का किसका है
सरोवर ये हिमालय का है। अच्छा ये बताइए, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर, मतलब इसमें कौन सही है, ये पूछ रहा है कौन सही है। पहला ऑप्शन दे रहे हैं, सुनिए, मुख्य हिमालय की प्रदाह चट्टाने जीवाश्म हीन है, ये गलत है। लघु हिमालय की प्रदाह चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं जीवाश्म मिलते हैं, ये सही है। बाह हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी सही है। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा हो गया कश्मीर, यही कश्मीर हिमालय करेवा, तो कोई कहा था कश्मीर का नहीं, आप ही लोग बोले थे यही करेवा, भू आकृति है करेवा। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? कश्मीर, कश्मीर हिमालय पर, हिमालय कश्मीर हिमालय पर भू करेवा भू आकृति पाई जाती है। यह तल छठ निरपेक्ष के रूप में निक्षेप के रूप में पाया जाता है। यह क्षेत्र जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, मतलब केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा बताइए, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में उपस्थित है? केसर बताइए इनको, बताएंगे बाद में। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? कैलाश पर्वत ये आपको यहाँ कैलाश पर्वत हो गया आपको तिब्बत में, कैलाश पर्वत तिब्बत में, यह हिंदू धर्म पर्वत तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से हम पूरा इसका क्वेश्चन भी पढ़ लिए और पूरा ये डिस्कशन भी कर लिए, बहुत अच्छा से हुआ, पूरा याद था। उत्तर का पर्वत प्रदेश हो गया, अब दक्षिण एवं भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां पढ़ते हैं, ठीक ना, दक्षिण एवं भारत की पर्वत श्रेणियां पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अब पढ़ते हैं, भारत के वृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टल या आग्नेय तथा रूपांतरित शिलाओं से बना है। मतलब प्रायद्वीप पठार कैसा, किससे बना हुआ? मेज आकृति का है, हाँ, और रूपांतरित शिलाओं से बना है, मतलब ये रूपांतरित शिलाओं से बना हुआ है, ठीक ना। प्रायद्वीप भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवहन अपवाह के कारण बना हुआ है। प्रायद्वीप भाग किसके अपवाह काम रहा? गोंडवाना भूमि, आप बोलिए तभी याद होगा। हाँ अच्छा, इस पठार के भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो भाग हैं, मध्य भूमि तथा दक्कन का पठार। किस भाग का, किसका? प्रायद्वीप पठार का दो भाग है, कौन कौन? एक है मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मतलब मालवा पठार में जो अधिकतम भागों में फैला है, हाँ, उसी को हमने मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। विंध्य श्रृंखला जो है ना मध्य दक्षिण में मध्य में उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली, कौन? विंध्य श्रृंखला, मतलब विंध्य श्रृंखला जो है ना दक्षिण में मध्य उच्च भूमि से और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक है। बताइए तो अरावली का विस्तार बताइए, मतलब गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ, कौन? अरावली, बताइए अरावली कहाँ से? पालमपुर से लेकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ और 800 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, ठीक ना, कौन? अरावली पर्वत, अरावली। अच्छा इसका निर्माण कब हुआ था? कल भी बताया था, प्री कैम्बियन काल में हुआ था इसका, मतलब ये बहुत ही पुराना है। अरावली है सबसे पुराना पहाड़ जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। प्री कैम्बियन काल 600 से 570 मिलियन पूर्व, हाँ। ये भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जबकि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, कौन? यही है अरावली, अरावली। अच्छा इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या, बताइए? इसकी ऊंचाई बताइए, 1722 ये कभी कभी पूछ देता है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? 1722। गुरु शिखर किसका प्रमुख ऊंचाई है? अरावली पर्वत का प्रमुख चोटी है, हाँ। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत उन पर्वत को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा अपरदित होकर नीचे हो जाती तथा क्या बोले गुरु? मतलब गुरु शिखर पर किस गुरु का वो है? क्या वो मंदिर? हाँ मंदिर है। अरे इसका था गुरु रामदास, नहीं पता।
आज उसको देख लिया जाएगा, ठीक ना। बताइए, अपर्दित होकर नीचे हो जाती है तथा उनका अवशिष्ट या अवशेष अवरोध भाग ही दृष्टिगोचर हो जाता है। बताइए, इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वत एवं अत्यधिक अपर्दन होने से होता है, अतः इसे घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। उदाहरण इसका विंध्याचल, अरावली, सतपुरा। अच्छा, सतपुरा, सतपुरा श्रेणियों दक्कन पठार का एक भाग है। सतपुरा श्रेणियों किसका भाग है? दक्कन पठार का एक भाग है सतपुरा श्रेणी। इनका विस्तार कहां से कहां तक है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। किसका? सतपुरा श्रेणी का। सतपुरा का विस्तार बताइए। गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। इन श्रेणियों के उत्तर भाग में नर्मदा नदी तथा दक्षिण भाग में ताप्ती नदी बहती है। किसमें? सतपुरा के उत्तर भाग में नर्मदा नदी, दक्षिण भाग में ताप्ती नदी। इसी सबको याद रखिए, ताप्ती नदी है, ठीक है। सतपुरा श्रेणी इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। मतलब सतपुरा श्रेणी जो है ना बीच में, किसके किस किस नदी के बीच में? बीच में कौन है? सतपुरा से धूपगढ़ चोटी। हाँ, दक्षिण में हो गया नहीं, उत्तर में हो गया नर्मदा, उत्तर नदा, उत्तर नर्मदा, दक्षिण ताप्ती, दोनों के बीच में सतपुरा। सतपुरा, अच्छा, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी बताइए। कितना? धूपगढ़ है, ठीक ना। पश्चिम घाटी की औसत, और धूपगढ़ है, पश्चिम घाटी को सहाद्री के नाम से जाना जाता है। अच्छा, धूपगढ़ कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी में। धूपगढ़ कहाँ है? पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी घाटी आती है, पश्चिमी घाटी को सहाद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। पश्चिमी घाट का औसत ऊंचाई कितना है? 1200 मीटर। कितना है? केरल में इसे सभ्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी केरल के स्थित अन्नामुडी चोटी है। पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी बताइए। अनाई मुडी के मतलब पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी, ये कहाँ है? केरल में। इसकी ऊंचाई 2600 मीटर। पश्चिम घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा होता है। अधिक ऊंचा है पश्चिमी घाट का विस्तार। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिम सागर तट के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु का लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। तो देखिए, पश्चिमी घाटी का जो है ना विस्तार पश्चिम सागर के तट के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु का लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई में और क्या तापी के मुहाने में से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। यह भ्रष्टोष पर्वत है। यह कैसा पर्वत है? मतलब यह ब्लॉक पर्वत है। कौन? यही है पश्चिमी घाटी। यह कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत। हाँ, जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवल के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। मतलब पश्चिमी ढाल कैसा है बताइए? तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल सीढ़ी नुमा है। पूर्वी ढाल किसका? पश्चिमी घाट का। अच्छा बताइए, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिमी घाट का मुख्य बेसाल सेल एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट एवं नाइस सेलों से निर्मित होता है। ये बताइए, नल्ला मलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मध्य सीमा कौन बनाती है? नल्ला मलाई। कौन? नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच मध्य सीमा बनाती है। नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच मध्य सीमा बनाती है। बताइए, यह पहाड़ी कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य में स्थित है। कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य में। कौन? नल्ला मलाई। कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य में। कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच में कौन है? नल्ला मलाई। यह पूर्वी घाटी की पहाड़ियों में पूर्वी तटीय मैदान के समांतर महानदी से नीलगिरी के पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। अच्छा बताइए, जवादी पहाड़ियों निम्नलिखित राज्य में स्थित है। जवादी पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु में। जवादी पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पहाड़ियों के रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर स्थित है। अच्छा, जवादी पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है?
जवादी हाँ तमिलनाडु में, तमिलनाडु में जवादी पारी तमिलनाडु में पहाड़ियों की रौनी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियों के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित दोदा बेटी नीलगिरी पहाड़ी है। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी सर्वोच्च चोटी। अच्छा नीलगिरी पहाड़ी जो होता है अति पहाड़ियों की रौनी किसको बोला गया? नीलगिरी पहाड़ी दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च ऊंची है दोदा बेटा। ठीक है हाँ। पहाड़ियों की रौनी को पहाड़ियों की रौनी नीलगिरी पहाड़ियों के पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है। अच्छा नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च ऊंची चोटी दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ठीक ना 2695 अनाई मुडी 2695 2637 दोदा बेटा 2695 था। अच्छा दक्षिण दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति यही निवास करता है। कहाँ में? यहीं पे नीलगिरी पहाड़ी पर तमिलनाडु में। अच्छा अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी किस किस राज्य की सीमा पर? अन्नामलाई आंध्र प्रदेश कृष्णा एवं पेन्नार नदी के मध्य कौन नन्नामलाई और अन्नामलाई जो है केरल और तमिलनाडु पर स्थित है। इसकी अच्छा अन्नामलाई पहाड़ी जो है केरल तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी ये पूछता है। ठीक ना नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर कौन पहाड़ी है और अन्नामलाई की सर्वोच्च ऊंची चोटी अनाई मुड़ी। ठीक है अनाई मुड़ी। बताइए कार्डेमम पहाड़ी जन दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। कार्डेमम पहाड़ी जन कहाँ है? सबसे दक्षिण में। अगर पूछेगा सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन है? कार्डेमम के पहाड़ी सबसे दक्षिणम सबसे दक्षिणतम इसको इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। केरल में पाया जाता है। हाँ सबसे दक्षिणतम। अच्छी होता है मतलब कि कार्डेमम पहाड़ी पर इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। इस पहाड़ी पर इलायची खेती सबसे अधिक होती है। कार्डेमम कार्डेमम का मतलब है होता है इलायची। ये बताइए सेबराय पहाड़ियों तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। सेबराय पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु के सलेम के पास है। केसलम के पास यह पहाड़ी यहाँ पूर्वी घाटी का हिस्सा है। सेबराय पहाड़ी किस पहाड़ी का हिस्सा है? सेबराय पहाड़ी पूर्वी घाटी का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यॉर्कॉड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन किस पहाड़ी पर है? ठीक है बताइए महादेव पहाड़ियाँ सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग है। महादेव पहाड़ी किसका भाग है? सतपुरा जो है किस किस नदी के बीच में? नर्मदा और ताप्ती। उत्तर में नर्मदा दक्षिण में ताप्ती। पहले नर्मदा बोलिए उसके बाद ताप्ती बोलिए तो कंफ्यूज नहीं होगा। उत्तर में नर्मदा दक्षिण में ताप्ती जो कि सतपुरा है। अच्छा महादेव पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी का भाग है? महादेव पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी? सतपुरा श्रेणी का। सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग कौन है? महादेव पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा सतपुरा कौन कौन? गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सतपुरा कहाँ तक फैला हुआ है? गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चार राज्य। और महादेव पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश जो कि सतपुरा पर्वत श्रेणी का है। ठीक है कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से लेकर बिहार के सासाराम तक है स्थित है। ठीक न गढ़जात गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है जहाँ गोंड जनजाति निवास करते हैं। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में। ये पूछता है पूछेगा कि किस पर्वत का सिर्फ एक ही राज्यों में विस्तार है? अजंता दे देगा सतपुरा दे देगा अरावली दे देगा अजंता दे देगा
और दे देगा अनामराई दे देगा। तो अजंता श्रेणी केवल कहाँ है? महाराष्ट्र में। केवल महाराष्ट्र में अजंता श्रेणी, ठीक है। अजंता की गुफा भी है महाराष्ट्र। तो केवल एक ही राज्य में कौन पहाड़ी फैला है? अजंता की गुफा महाराष्ट्र में, अजंता पहाड़ी, ठीक है, अजंता पहाड़ी। अच्छा, रामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? तेलंगाना में। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है। रामगिरी का तेलंगाना में, ये बताइए, यह पूर्वी जो रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है, यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। महेंद्र पर्वत का हिस्सा कौन है? रामगिरी की पहाड़ी। महेंद्र पर्वत जो है रामगिरी पर्वत। देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों अलग हुआ है ना। आपका कब का ई बुक है? 21 और ये है 22। तो उसका तेलंगाना चल गया, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा ये बताइए, मेकाले सैनी सतपुरा सैनी का पूर्वी भाग है। मेकाले सैनी सतपुरा सैनी का पूर्वी भाग है। अच्छा फिर से बताइए, सतपुरा कहाँ कहाँ फैला हुआ है? सतपुरा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अजंता? अजंता हो गया आपको महाराष्ट्र, केवल महाराष्ट्र। और बताइए वो अरावली, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, दिल्ली तक फैला हुआ, ठीक है। तो मेकाले सैनी सतपुरा सैनी का भाग है। यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मेकाले पर्वत सैनी किस किस राज्य में है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पूछता है मेकाले पर्वत सैनी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मेकाले सैनी सतपुरा सैनी का पूर्वी भाग है, जो कि यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अब इसका जो है क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब जो पहाड़ी जो पढ़े हम सब लोग, इसका क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है? बताइए। अरावली सबसे पुराना वही ना। हाँ, जो कि गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक फैला हुआ, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, ठीक ना। कितना है? 800। अच्छा, इसकी सबसे पर्वत सबसे ऊंची चोटी कौन है? बताइए। गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई बताइए 1722। अरावली के बारे में पूरा जानकारी हो गया। यह जो है ना, यह किस युग का है? प्री कैम्बियन का, प्री कैम्बियन युग का है। नहीं नहीं, 1722 गुरु शिखर की ऊंचाई है। अरावली पर्वत है, सबसे पुरानी पर्वत है, 800 मीटर की लंबाई है, और यह गुजरात के पालमपुर से राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक चला गया। अब बताइए, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? वही अरावली। अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? अरावली। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? मतलब राजस्थान में है, हरियाणा में है, उसके दिल्ली में है, पालमपुर कहते हैं। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी सब देखिए, वही सब पूछा है, प्राचीनतम प्राचीनतम। बताइए बताइए, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु बताइए। 570 मिलियन वर्ष। आपको पता है 600 से 570। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम है? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। अच्छा ये बताइए, निम्न में से कौन से रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन दे रहे हैं, हिमालय, किलिमंजारो, एटना, अरावली। अरावली रेजिडुअल का उदाहरण कौन है? अरावली। इसको याद रखें, रेजिडुअल का उदाहरण अरावली। अच्छा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए? अनाई मुडी, जिसकी ऊंचाई 2695। बताइए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाई मुडी। अभी तुरंत पढ़े वो यूपी पीस में पूछा, ये एमपी पीसीएस में पूछ दिया है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? बताइए। अनाई मुडी 2695 में। हाँ, 2695 पूछेगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाई मुडी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य
स्थित है, सतपुरा नर्मदा और ताप्ती के बीच, नर्मदा उत्तर में ताप्ती दक्षिण में, उसके बीच में सतपुरा। अच्छा, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम बोलता है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। देखिए हम बोलते हैं इसका आंसर, नल्ला मलाई उत्तर से दक्षिण, नल्ला मलाई जवादी नीलगिरी अन्नामलाई, अन्नामलाई सबसे नीचे है, जो इसमें ऑप्शन में दिया है। अच्छा बताइए, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, उच्चावच आकृतियों पर, महादेव पर्वत श्रृंखला, उच्चावच है ना, उच्चावच मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बोलता है करने के लिए, ठीक ना, पश्चिम से उच्चावच जो है ना, ये पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व मतलब कि गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के मतलब सजाने के लिए बोल रहा है उच्चावच को। तो सबसे पहले महादेव पर्वत श्रृंखला है, मैकाले, छोटा नागपुर, खांसी, खांसी सबसे पूर्व में हो गया, बताइए तो निम्नलिखित किस पहाड़ियों पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता है, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी आपको ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है, नीलगिरी पहाड़ी, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है, नीलगिरी पहाड़ी, रानी भी कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ी को, हाँ जी सर। डोडा बेटा, डोडा बेटा क्या चोटी, किसका चोटी है डोडा बेटा, नीलगिरी का, हाँ डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की ऊंची चोटी है। अच्छा, जहाँ 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 पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है, नीलगिरी पहाड़ी, जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है वहाँ नीलगिरी पहाड़ी। पूछेगा कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट किस पहाड़ी के पास आकर मिलती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन पर स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी, कर्नाटक केरल एवं तमिलनाडु पर, कर्नाटक केरल तमिलनाडु, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह राज्य बताइए, तमिलनाडु होगा, बताइए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, सही नहीं है, बताइए, पश्चिमी घाट उत्तरी घाट, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, नहीं। ये तो गलत हो गया, यही गलत हो गया, पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर, सही है, ये गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, यही सही नहीं है, पश्चिमी घाट में अन्नामुडी सबसे ऊंची चोटी, ये तो सही है, ताप्ती नदी सतपुरा के दक्षिण में स्थित है, ये भी सही है, सही है ना, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियों के पुरानी रिप्त घाटियां मानी जाती है, ये याद रखिए, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिप्त घाटियां कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, हाँ पश्चिमी घाट उत्तरी में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर, ये गलत बात है, बताइए भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है, बताइए तो, अजंता, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है, सह्याद्री कहलाता है, सह्याद्री, कार्डेमम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह राज्य बताइए, केरल तमिलनाडु, कार्डेमम केरल तमिलनाडु, सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन है, कार्डेमम की पहाड़ी, यहाँ की इलायची का खेती बहुत होता है, होता है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी बताइए, सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डेमम, वो सबसे अब तो बोले थे ना, सबसे दक्षिण, सबसे दक्षिण में कौन था, कार्डेमम, हाँ, सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है बताइए, तमिलनाडु में, ये आईएएस में 2007 में पूछा था, सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में, सलेम के पास स्थित है, कहाँ है, सलेम के पास, बोले थे ना सलेम के पास स्थित है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, देखिए ऑप्शन दे रहे हैं, पहले ऑप्शन ऑप्शन सुनिए, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, बालाघाट सैनी, हरिश्चंद्र सैनी, मांडव पहाड़ियां, सतमाला पहाड़ियां, मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र में नहीं है, ये कहाँ है, ये गुजरात में स्थित है, मांडव पहाड़ी कहाँ है, बालाघाट सैनी, हरिश्चंद्र सैनी और और मांडव पहाड़ियां ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। अब देखिए, अब बोलता है मिलान करने के लिए, बताइए गढ़ गढ़ जात पहाड़ी,
गंजात पहाड़ी उड़ीसा में सही है। अच्छा बताइए गंजात पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में और मांडवा पहाड़ी जो महाराष्ट्र में नहीं होगा गुजरात में। मांडवा पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में। मांडवा गुजरात में। अच्छा नल्ला मलाई कहाँ है? और सेबरा तमिलनाडु में। और गढ़जात कहाँ है? मांडव कहाँ है? गुजरात में। ठीक है अब ये भी मिलान कीजिए कार्डेमम की पहाड़ी बताइए तो। कार्डेमम की पहाड़ी तो बोले तमिलनाडु। कार्डेमम की पहाड़ी केरल के दक्षिण पूर्व में तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यही बता रहे थे। बताइए कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी हो गया बिहार में। मध्य प्रदेश कैमूर जो है पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है। अब महादेव की पहाड़ी। महादेव की पहाड़ी हो गया कोकण तट से लेकर दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में। महादेव की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत के असम में। पूर्वोत्तर भारत में। महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में। मध्य भारत में है। और मिकिर की पहाड़ी पूर्वोत्तर भाग में। ठीक ना। अच्छा महादेव पहाड़ियों का भाग बताइए। सतपुरा बताए सतपुरा श्रेणी महादेव पर्वत श्रेणी है नहीं बताए थे? जी 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 सर। अच्छा ये बताइए धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? सतपुरा के रेंज में। सतपुरा चोटी की ऊंचाई कितना है? 1350। धूपगढ़ की ना? हाँ धूपगढ़ की। धूपगढ़ की 1350 है जो कि सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? रामगिरी तेलंगाना में स्थित है ना ये। हाँ यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है? रामगिरी महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। महेंद्र पर्वत का हिस्सा है रामगिरी। अच्छा पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई बताइए। पारसनाथ पहाड़ी का क्या होगा? 1365। 1365 कौन सा रहा? पारसनाथ का। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। गिरिडीह। पारसनाथ कहाँ है? झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। तिरंगा के नाम पर रखा गया था। हाँ बताइए गारो जो है कहाँ है? गारो ये कोई मेघालय मेघालय मिरी अरुणाचल प्रदेश और कल्लोई मलाई तमिलनाडु में और डालमा डालमा झारखंड में। डालमा कहाँ है? झारखंड। हाँ कोल्लू मलाई तमिलनाडु। कल्लोई मलाई तमिलनाडु में। मीरी मीरी कहाँ होगा? मीरी होगा अरुणाचल प्रदेश। गारो गारो होगा मेघालय। बताए तो कोडाई कलान किस पहाड़ी में स्थित है? पालनी में। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? क्या चीज बोले? कोडाई कनाल तमिलनाडु में डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है। नहीं कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है। अच्छा निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों में राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकुंदरा पहाड़ी में। मुकुंदरा पहाड़ी में। बताए तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित है? पूर्वी घाट में अवस्थित। देखिए ऑप्शन सुनिए गली कोंडा सलहेर सिकराम गट्टा माधु गुला कोंडा। नहीं है तो सलहेर होगा। सलहेर होगा मतलब कि इसमें है कौन सी पर्वत चोटियां पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? सलहेर नहीं है। अब देखिए मिलान करने वाला है ठीक ना। बताइए तो केरल। केरल हो गया आपको। केरल अन्नामुड़ी। नागालैंड में। नागालैंड में सारामती। मतलब कि देखिए ये देखिए चोटी है, चोटी है एक राज्य है एक चोटी है मिलान करने के लिए दिया है तो बताइए केरल में कौन चोटी है? केरल में अन्नामुड़ी। नागालैंड में सारामती। उत्तराखंड में नंदा देवी और तमिलनाडु में दोदा बेटा। तमिलनाडु में कौन है? दोदा बेटा। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है? पश्चिम से पूर्व बोल रहे हैं ना? पश्चिम से पूर्व मतलब कि इधर से जैसे कि पश्चिम में देखिए जैसे सतपुरा हो गया महादेव हो गया मैकाले हो गया छोटा नागपुर। छोटा नागपुर झारखंड में। महादेव मैकाल छोटा नागपुर। बताइए तो सतपुरा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर
उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? श्रेणी की बात कर रहे हैं ना? पूर्व से पश्चिम बोल रहा है। सतपुरा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसके बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मेकल श्रेणी, यही सही है। अच्छा ये बताइए, बीपीएससी में 2019 में पूछा था कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ, काडेमम की पहाड़ी हाँ बताइए, तो बीपीएससी में ये भी बीपीएससी 2019 में ही पूछा था। बताइए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बगान है? गिरनार की, गिरनार की पहाड़ी में, दार्जिलिंग में नहीं, दार्जिलिंग ऑप्शन में रहेगा, लेकिन निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बगान नहीं है? पूछता है नहीं है, गिरनार की पहाड़ी पर नहीं है, लेकिन कानन देवा, नीलगिरी और दार्जिलिंग में है। गुजरात में तो कहाँ से भाई? गुजरात में गिरनार कहाँ है? गुजरात में। इसमें तो निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बगान नहीं है? तो ऑप्शन है कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग और गिरनार। कानन देवन पर है, नीलगिरी पर है, दार्जिलिंग पर है, लेकिन गिरनार, गिरनार पर नहीं है चाय बगान। ठीक है, गुजरात में। तो इस तरह से इसका पूरा क्वेश्चन भी कर लिया और सारा चीज कर लिया। ठीक है, अब पर्वत चोटी पढ़ते हैं। ठीक है, पर्वत चोटी देखिए, पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। ठीक है, ठीक है, 4850। यह कहाँ? नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है, लेकिन 2022 देखिए, बछेंद्री पाल प्रथम भारत महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता पाई। एवरेस्ट पर सबसे पहला कौन सा था भारत महिला? कब? 1984 प्रथम भारतीय महिला कौन है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको कि केटू बोलते हैं, यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। केटू कहाँ स्थित है? काराकोरम। और इसकी ऊंचाई है 86 से 11 मीटर। और बताइए काराकोरम की ऊंचाई बताइए? 86 से 11। काराकोरम पाक अधिकृत भारत भूभाग में स्थित है, भारतीय भूभाग में स्थित है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? जो कि सिक्किम राज्य एवं नेपाल में अवस्थित है। दूसरी कौन है? केटू और कंचनजंगा अलग। केटू अलग है, कंचनजंगा अलग है। केटू और केटू को काराकोरम, सही है, काराकोरम श्रेणी में है केटू। और जो है ये गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल में स्थित। कंचनजंगा की ऊंचाई बताइए? 8,000। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। भारत की तीसरी पहली कौन है? पहला हो गया माउंट एवरेस्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, वो तो कंचनजंगा भारत में है ना, सिक्किम में है। भारत की तीसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी नंगा पर्वत। भारत की चोटी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? चौथी। हाँ, भारत की चौथी कौन है? नंदा देवी। चौथी कौन है? नंदा देवी। 7816। देखिए तीसरा है नंगा पर्वत, चौथा है नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई 7816। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है यूनेस्को द्वारा 1988 में। इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया। किसको? नंदा देवी को। भारत की प्रमुख चोटियां देखिए, अरावली की सर्वोच्च चोटी बताइए, अभी पड़े हैं 1722। यह राजस्थान के कहां से कहां तक फैला हुआ है? सिरोही जिला है। वो कहां से कहां तक है? गुजरात, हरियाणा, दिल्ली तक। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
कामे तथा त्रिशूल काम है उत्तराखंड गोसाई थान तब तिब्बत में नेपाल की सीमा की स्थित गोसाई धाम का है तिब्बत के नेपाल सीमा पर गोसाई धाम है ठीक ना। माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग है उटक मंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। उटक मंड का है दक्षिण भारत का कड़ाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है। इसे पहले हम पढ़ चुके हैं तमिलनाडु में स्थित है कड़ाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित है जो कि पालनी पहाड़ी में स्थित है। कौन है पालनी पहाड़ी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है बताइए तो क्वेश्चन आंसर आता है माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई अच्छा कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट प्रथम भारत नारी जो एवरेस्ट शिखर चढ़ने में सफलता हासिल की माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पूछेगा तो जुंको तबई जापान की थी ठीक नहीं कहाँ की थी जापान की थी 1975 में लेकिन भारत में पढ़ दिए जापान में थी 1975 में पढ़ चढ़ी थी जापान की थी बस हो गया इसमें और क्या है कुछ वही सब है ना एवरेस्ट पता इतिहास रहता था तो वही बात है सब लिखा हुआ चीज बताइए दो बार माउंट एवरेस्ट पर यादव जी का नाम बताइए तो दो बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाला संतोष यादव पहला है। बताइए एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है संतोष यादव। बताइए तो 42वां बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी भारत क्या सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा केटू क्या होगा अच्छा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा जो कि भारत में ही है कंचनजंगा भारत में ही है। भारत की सब सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है हिमालय लगाता है ना तो उसमें तो कर दिया है ठीक बहुत अच्छा चलिए अच्छा हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है नेपाल और सिक्किम नेपाल और सिक्किम बताइए निम्न में से सही क्रम क्या है पहले माउंट एवरेस्ट आ जाएगा सही क्रम क्या है केटू आ जाएगा। देखिए हम आप आशी दे रहे हैं पहले हम ऑप्शन सुनिए ना याद नहीं है देखिए निम्न में सही क्रम बताइए गॉडविन ऑस्टिन कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट नंदा देवी गॉडविन ऑस्टिन कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट गॉडविन ऑस्टिन कंचनजंगा कोई बात नहीं हम आपको देखिए नंदा देवी चोटी देखिए ये आईएएस प्री 2003 में पूछा था नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है नंदा देवी चोटी गढ़वाल मतलब किस हिमालय का भाग नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग नंदा देवी कहाँ स्थित है राज्य बताइए उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है उत्तराखंड में उत्तराखंड में नंदा देवी का कंचनजंगा का नंदा देवी का 1816 नंगा पर्वत का है बताइए सुनिए हम बता रहे हैं आपको गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है गुरु शिखर राजस्थान गुरु शिखर कहाँ है राजस्थान में है। बताइए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है ऑप्शन दे रहे हैं सज्जन घाट लीलागढ़ कुंभलगढ़ तारागढ़ कुंभलगढ़ बताइए दिया हुआ कौन सा अरावली का उच्चतम शिखर है ऑप्शन में दिया हुआ है तो कुंभलगढ़ ऐसे तो अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो कि विकल्प में नहीं है ठीक है तो विकल्प के अनुसार कुंभलगढ़ जो है ना 1244 मीटर ऊंचा है उसको मारना पड़ेगा जो कि आरएएस में पूछा था। बताइए निम्नलिखित पर्वत शिखर में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है गोसाई धाम कामेत नंदा देवी त्रिशूल गोसाई धाम भारत में अवस्थित नहीं है नंदा देवी कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है जबकि गोसाई धाम तिब्बत में नेपाल की सीमा गोसाई धाम कहाँ है तिब्बत और नेपाल की सीमा पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है
गुरला मानदाता नामचा बरवा कामेत और नंगा पर्वत। नामचा बरवा भी अति है, गुरमला मानदाता भी नहीं है, नामचा बरवा भी नहीं है भारत में। कामेत है, नंगा है। बताइए गोर लाटा चोटी किस पाट पर स्थित है? गोर लाटा चोटी आपको समरी पाट। नामचा बरवा नेपाल में है। नामचा पर्वत तो हाँ नेपाल में है। हाँ नेपाल में है। ठीक है ठीक। बताए तो गोर लाटा चोटी किस राज्य में स्थित है? गोर लाटा, गोर लाटा हो गया अरुणाचल प्रदेश में। गोर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है बताइए? गोर लाटा, गोर लाटा कहाँ है? गोर लाटा हो गया आपको सामरी पार्ट। गोर लाटा चोटी सामरी पार्ट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश। बताइए तो बताइए तमिलनाडु, ये बताइए तमिलनाडु जो है। अच्छा एक बात बताइए, डिस्कशन इससे परे तो परे ही है सब चीज। ये क्वेश्चन के अनुसार हम सब लोग कर रहे हैं ना। एक्स्ट्रा रहता है? बताइए कुछ नहीं रहता एक्स्ट्रा। बताइए तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु डोडा बेटा चोटी है इसका प्रमुख चोटी। मतलब डोडा बेटा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और गुरु शिखर चोटी? गुरु शिखर राजस्थान। राजस्थान में। सारा माता चोटी? सारा माता नागालैंड। नागालैंड में। और धूपगढ़ चोटी? धूपगढ़ हो गया मध्य प्रदेश में। अब देखिए घाटियां पढ़ लेते हैं, ठीक है? घाटियां थोड़ा सा ही घाटियां पढ़ लेते हैं, उसके बाद दर्रा अगले चैप्टर में अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? आज नहीं खत्म। देखिए घाटियां पढ़ते हैं, ठीक है? हिमालय समांतर श्रेणी से निर्मित है। हिमालय समांतर श्रेणी से निर्मित है। इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी, भागीरथी घाटी एवं मंदाकिनी घाटी आदि अनेक घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। मतलब जो है हिमालय कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी, भागीरथी घाटी एवं मंदाकिनी घाटी अनेक घाटियों से क्या है प्रतिच्छेदित है? कौन कौन घाटी बताइए तो? कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, मंदाकिनी घाटी, मंदाकिनी घाटी, कश्मीर घाटी, सेडी घाटी, भागीरथी घाटी। भागीरथी घाटी, मंदाकिनी घाटी, कुल्लू, कांगड़ा, कश्मीरी, दूनी, सब ये सब क्या है हिमालय में। यहाँ पर्यटक के आकर्षण स्थल में यह है एवं यहाँ जो है पर्यटक के आकर्षण स्थल है एवं यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। धौलाधर और पीर पंजाब श्रेणी के मध्य अवस्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश और धौलाधर और पीर पंजाब के मध्य अवस्थित है। और नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य जिला में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में, उत्तरकाशी जिले में, गंगोत्री नेशनल पार्क में, उत्तरकाशी जिला में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट सुरमय नेलांग घाटी है जो वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया। भारत चीन सीमा के निकट कौन है घाटी? नेलांग घाटी है जो कि अब बंद है। नेलांग घाटी भारत बंद कर दिया गया। मई 2015 में इसे पर्यटक के लिए खोल दिया गया है। कौन? 1962 नागरिकों के बंद कर दिया गया था लेकिन 2015 में पुनः इसको खोल दिया गया है। मूर्खा घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 से प्रसिद्ध घाटी कहा जाता है। मरखा घाटी जो ना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, हाँ, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी में आया है, ठीक ना? समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू पर्वत के पीछे जुकू घाटी स्थित है। नागालैंड जुकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में जफू पर्वत के पीछे। जुकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में जफू पर्वत के पीछे। जुकू घाटी, जुकू घाटी। सांगला घाटी किन्नौर में स्थित है। सांगला घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित है सांगला घाटी, ठीक ना? कौन है? किन्नौर में स्थित है सांगला घाटी। यह चारों और पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। युथांग घाटी गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हाँ, युथांग घाटी कहाँ है? गंगटोक है, सिक्किम में। गंगटोक सिक्किम की राजधानी। यह रोडोडेंड्रन एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है। किस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है? युथांग घाटी को।
सौंत घाटी या मौन घाटी केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। सौंत घाटी कहाँ है? केरल के पलक्कड़ जिले में सौंत घाटी। पूछता है सौंत घाटी कहाँ स्थित है? केरल के। यह पश्चिमी घाट को नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक ना। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो बताइए। धौला धीरा या पीर पंजा। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। नेलांग घाटी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। अब मिलान करने वाला जैसे मूर्खा घाटी बताइए अभी तुरंत पढ़े। जम्मू कश्मीर। मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर। जुकू घाटी नागालैंड। सांगला घाटी आपका हो गया हिमाचल प्रदेश। थुयांग घाटी सिक्किम। वो बताइए एक बार और। मूर्खा घाटी बताइए जम्मू कश्मीर। जुकू घाटी नागालैंड हो गया। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। युथांग घाटी सिक्किम। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। जुकू घाटी नागालैंड। मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर। सर मूर्ख बताइए। मरखा मूर्खा जो भी बोलिए। अच्छा बताइए तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूर्खा घाटी लद्दाख के देखिए आप इसको। मरखा घाटी जो है ना लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है जो 31 अक्टूबर 2019 से मरखा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। जुकू घाटी भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड जुफू पर्वत पर स्थित है। ये सब पढ़े थे इधर। सांगला घाटी किन्नौर है। सांगला घाटी किन्नौर में है। यह चारों ओर से पर्वत चोटी और बसपा नदी पर स्थित है। थुयांग घाटी गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर दूर पर स्थित है, ठीक ना। अब निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। मौन घाटी जो है ना साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में स्थित है, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पथरकुडवाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, ये सही है। कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भव होती है। सही नदी घाटी जो है साइलेंट वैली की वर्षा प्रचुर मात्रा में। कुंती नदी जो है ना साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भव होती है। कुंती नदी घाटी कहाँ से उद्भव होती है? सौंत घाटी या मौन घाटी राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ पालघाट में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है न कि नल्ला मलाई पहाड़ी में स्थित है। कहाँ है? पश्चिमी घाटी नीलगिरी में। नल्ला मलाई नहीं है, ठीक है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पथरकुडवाऊ जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। अच्छा बताइए दूसरा एक और क्वेश्चन है। भारत में सौंत घाटी किस राज्य में है? केरल राज्य में। तो इस तरह से हम आज भूगोल का कौन कौन चैप्टर खत्म किए हैं। मैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़े हैं, चोटी पढ़े हैं, उसके बाद घाटियां पढ़े हैं। बहुत ही अच्छा अच्छा चैप्टर हम सब लोगों का खत्म हुआ। तो आगे का जो हम चैप्टर करेंगे, चलिए तो हम सब लोग इतना ही खत्म करते हैं। आगे जो चैप्टर जो भूगोल का ही चलेगा दर्रा और